जनपद मुरादाबाद में थाना मेनेठर इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़ में एक 10,000 इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बाइक सवार उसका दूसरा साथी बदमाश फरार हो जाने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार घायल बदमाश पर 10,000 का इनाम घोषित था, जबकि फरार बदमाश पर भी कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मुरादाबाद के मेनाठेर के ईसागढ़ रोड पर बुधवार की रात 9 बजे अचानक पुलिस और बाइक पर सवार बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा बदमाश भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में पकड़ा गया, कैसे मुठभेड़ हुई, कितने का इनामी है? आज सायं लगभग 9:15 बजे के आसपास थाना मैनाखेत क्षेत्र में ईसागढ़ रोड पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। यह अपराधी 6 अभियोगों में ये शामिल रहा है और इस समय वर्तमान में मैनाखेर और मझोला थाने से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा था। इस पे 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। इसका एक साथी इमरान नामक भागने में सफल रहा है, उसके विरुद्ध 16 अभियोग पंजीकृत है। सब पुलिसकर्मी तो घायल नहीं हुआ? इसमें पुलिसकर्मी को अभी घायल नहीं है, जिनको इलाज कराने की जरूरत। किस थाने की टीम रही है और SOG भी रही? इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और थाना मराठेर पुलिस टीम मिलकर इस ऑपरेशन को। इनके पास से क्या क्या बरामदी हुआ? मोटरसाइकिल, अवैध असलहे बरामद हुए हैं इनके पास से। ठीक है।